भाजपा ने इस बार बिना सीएम का चेहरा घोषित करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होने की वजह से इस बार नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री पर जल्द फैसला होने के आसार है। विधानसभा चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार बनने की रणनीति के संबंध में बैठक भी की है, तो वही दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से चुनावी नतीजों को लेकर फीडबैक लिया। भाजपा में नए मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला विधायक दल की बैठक में होने की संभावना है। फिलहाल विधायक दल की बैठक बुलाने को लेकर अभी कोई समय तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही विधायक दल की बैठक का समय तय होने की संभावना है, क्योंकि भाजपा में विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने की परंपरा रही है। बता दें 2003 में जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तब उस समय भी मुख्यमंत्री की घोषणा विधायक दल की बैठक में हुई थी। उस समय के चुनाव प्रभारी प्रमोद महाजन ने बीजेपी कार्यालय में वसुंधरा राजे के नाम की घोषणा की थी। तब से ही बीजेपी में ये परंपरा अपनाई जा रही है। वही अगर बात करें कि बीजेपी को राजस्थान में सीएम फेस को लेकर किस इशारे का इंतजार है, तो आपको बता दें बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व के इशारे का इंतजार है। जैसे ही बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व से इशारा मिल जाएगा, वैसे ही भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बता दें जब से परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए हैं, तब से बीजेपी में लगातार मंत्रणाओं का दौर चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए जयपुर में सार्वजनिक समारोह आयोजित किया जा सकता है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अब सिर्फ हाईकमान के रुख का इंतजार है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।